हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे एडिक्शन के बारे में जो कि मेंटल हेल्थ डिजीज यानी कि मानसिक रोग का कारण बन सकती है। सो बने रहिएगा आप हमारे साथ इस पूरे वीडियो में। अल्कोहल एडिक्शन यानी कि शराब की लत लगना, यह एक ऐसा मानसिक रोग है जिसमें ड्रिंकर्स शराब पीने की अपनी आदत पर कंट्रोल खो चुके रहते हैं, या फिर एक्सेसिव ड्रिंक यानी कि बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाते हैं। शराब की लत लगने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे पहला है एनवायरनमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंसान जिस वातावरण में रहता है वह अपने आप को उसी वातावरण में ढाल लेता है। अगर कोई व्यक्ति अपने आसपास शराब पीते हुए लोगों को दिन रात देखता है तो उसके दिमाग में भी शराब पीने की चाहत आ सकती है। अगला कारण है वर्क यानी कि कार्य। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत हो, या फिर उसे उस काम को पूरा करने के लिए रात भर जगना पड़े, ऐसे में वह व्यक्ति अपनी थकान को मिटाने के लिए शराब पीने लग जाता है। ऐसे में अत्यधिक शराब पीने के कारण उसे इसकी लत लग जाती है। अगला है सोशल ड्रिंकिंग। कुछ लोग अपने हर वीकेंड्स में अपने सोसाइटी मेंबर्स या फिर अपने फ्रेंड्स या फिर अपने कलीग्स के साथ ड्रिंक करना पसंद करते हैं, और इन सब के बीच वह इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं कि उन्हें खुद का भी होश नहीं रहता। अगला कारण है टेंशन एंड डिप्रेशन। जिस व्यक्ति को शराब पीने की अत्यधिक आदत होती है वह अपने छोटे से छोटे टेंशन में भी शराब पीने लगता है। उसके बाद आता है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी बेरोजगारी के कारण उनके परिवार वाले, उनके दोस्त उसकी इज्जत करना बंद कर देते हैं, उनकी बातों को अनसुना करने लगते हैं और उनके साथ बहुत गलत तरह से पेश आने लगते हैं, और इन सब की बातों के कारण वह व्यक्ति टेंशन में आ जाता है, खुद को डिप्रेस्ड कर लेता है, और यही डिप्रेशन को मिटाने के लिए वह शराब पीना शुरू कर देता है। इसके बाद आता है लोनलीनेस यानी कि अकेलापन। जब व्यक्ति अपने आप को हर जगह अकेला पाता है, कुछ लोग इसी अकेलेपन को मिटाने के लिए नशा करना शुरू कर देते हैं। अब जानते हैं कुछ सिम्टम्स जिससे कि पता चल सके कि उस व्यक्ति को शराब की लत लग चुकी है। लॉस ऑफ मेमोरी यानी कि ड्रिंक करने के बाद मेमोरी का लॉस हो जाना, वह व्यक्ति अपने कुछ भी सोचने समझने की क्षमता खो देता है। स्मेल ऑफ वाइन फ्रॉम हिज माउथ यानी कि मुंह से शराब की दुर्गंध आना। इसके बाद है बर्निंग स्टोमक, पेट में जलन होना। इसके बाद नौजिया एंड वॉमिटिंग यानी कि उल्टी होना। लॉस ऑफ कंट्रोलिंग पावर, कभी कभार व्यक्ति ओवर ड्रिंकिंग के कारण खुद पे कंट्रोल खो देता है, वह खुद को संभाल नहीं पाता है। इंसोमनिया यानी कि नींद न आना। इंसोमनिया के बारे में एक प्रीवियस वीडियो हमने बनाई है, जो आपने नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लें। अगला सिम्टम है इनलार्जमेंट ऑफ लीवर यानी कि लीवर का अपने नॉर्मल से इंक्रीज हो जाना। ऐसे में व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है।
इसके बाद कुछ और भी सिम्टम्स हैं जैसे लैक ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख की कमी, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ाव और डिहाइड्रेशन यानी कि बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाना। अब जानते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस। यदि पिछली रात अत्यधिक ड्रिंक करने से सुबह पेशेंट को हेडेक होता है तो पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट जूस जिसमें कि फ्रुक्टोज की मात्रा अधिक हो वह फ्रूट जूस देनी चाहिए। जानते हैं कुछ स्मॉल ट्रीटमेंट्स जैसे साइकोथेरेपी करवानी चाहिए। अगर पेशेंट को शराब की लत लग गई है तो उसे साइकोथेरेपी करवाने की सलाह डॉक्टर देते हैं। पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी चाहिए जिससे कि उन्हें मेंटल प्रॉब्लम्स से न जूझना पड़े। पेशेंट को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अपने रिच डाइट के साथ लेनी चाहिए और पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो।